13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक यज्ञ होगा। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक महारुद्र अभिषेक होगा, जिसमें 1008 शिवलिंगों की स्थापना होंगे, जिसमें नाना प्रकार के रत्नों के शिवलिंग, नाना प्रकार के जड़ी बूटियों के शिवलिंग, नाना प्रकार के औषधियों का शिवलिंग एवं जितने भी हमारे तीर्थ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी ज्योतिर्लिंगों से शिवलिंगों का यहाँ पे स्थापित होगा। इस शिवलिंग का अभिषेक सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक होगा। 1 बजे से भंडारा होगा और 3 बजे से लेकर भगवान शिव कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा होगा। जम्मू कश्मीर कि आप सब परिवार उस यज्ञ में आकर के उस यज्ञ का शोभा बढ़ाएं। और हमारे नव युवक, जो नव पीढ़ी है, नौजवान मेरे भाई बहन लोग, जो हमारे जिंदगी में डिप्रेशन प्रॉब्लम्स एवं बहुत सारे नशाओं में हम ग्रसित हो गए हैं, यहाँ के जम्मू कश्मीर का जो जगह है, जम्मू कश्मीर जो है पंजाब जैसा न बन जाए, उसका डर बना हुआ है, तो मैं नवयुवकों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपना जीवन का ये समय निकाल करके उस यज्ञ में आए, उस यज्ञ में आकर के उस यज्ञ में पूर्णाहुति दें, अभिषेक करें, जिससे आपको अपने जीवन में बदलाव आएगा। और वहाँ पे एक शिवलिंग, ऐसी चमत्कारी शिवलिंग होगा जिसका नाम है पारद का शिवलिंग, और उस पारद का शिवलिंग में पूजा करने से साक्षात भगवान शिव का दर्शन होते हैं। मैं समस्त जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप एक दिन के लिए क्यों ना वहाँ पे आएं और उस यज्ञ का लाभ उठाएं और जम्मू कश्मीर के समृद्धि के लिए अपना पूर्ण आहुति प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।